हेलो भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग। कैसे सब लोग? होप कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग, गुड मॉर्निंग है सभी को। उठ चुका हूँ मैं जल्दी आज फिर से, और बस अभी फ्रेश हुए हैं, बस अभी नहाने जाते हैं, फिर नहा के मिलते हैं आप सभी को। यो गाइस, आई एम रेडी। चलते हैं यार जल्दी से मंदिर, और फिर आगे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जल्दी निकलते हैं आज ऑफिस। क्योंकि क्या यार, कि कुछ दिनों से अपना वर्किंग पेंडिंग है, कुछ दिन हो गए काम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पड़े हैं, जो जो उन पर बैठेंगे उनको कंप्लीट करते हैं जल्दी। हाँ जी गाइस, मंदिर आ गए हम अभी, और अंदर चलते हैं, एक बार ही पूजन करते हैं अपना स्टार्ट। चलिए। यो गाइस, मंदिर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, वेरी गुड है सब कुछ, चलते हैं घर पे। तो ये अपना रेडी है, खाना पीना भी हो गया है, अभी बस बैग टांगा हुआ है, और चलते हैं जल्दी से ऑफिस, बैठते हैं अपना, करते हैं वर्किंग स्टार्ट। तो भाई अपना आगे के ऑफिस बैठे हुए काम कर रहे हैं अपना, अभी अपनी स्क्रिप्ट भी रेडी है, बस थोड़ी देर में अपना करते हैं हम स्टार्ट, फिर आपको दिखाते हैं। भाई अपना शूट भी कंप्लीट है, अभी बैठते हैं बस उसकी एडिटिंग पे, जल्दी फिनिश करते हैं उसको भी, बाकी मेन मेन टास्क ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। तो भाई अब ऐसा है, अपना शूट भी कंप्लीट कर चुके हैं, एडिट भी कर लिया है, रील शेड्यूल भी कर दिया है, अब चलते हैं थोड़ा रेस्ट, मतलब चलते तो कहाँ है, चलते रेस्ट करते थोड़ा सा। अगेन बैक टू ऑफिस गाइस, मार्केट गया था अभी कुछ काम, तो काम करके आ चुके हैं वापस ऑफिस, अब थोड़ी देर में बस घर जाएंगे। तो भाई निकल चुके हैं अपना ऑफिस से घर को, पहले अपन जा रहे हैं नारियल पानी लेने, फिर चलते हैं थोड़ा घर पे। तो भाई नारियल भी ले चुके हैं अभी, और चल रहे हैं अंदर घर पे, हवाई जहाज चुके। हाँ जी गाइस, आ गया मैं घर पे अभी, बस अभी पूजन करते हैं अपना घर पे, शाम का पूजन, काफी टाइम बाद कर रहा हूँ मैं, चलिए। यो यो गाइस, यो वेलकम टू बैक अगेन यो नेक्स्ट। तो भाई निकल चुका हूँ मैं अभी आर्मी घूमने के लिए, बताते हैं आप सबको भी थोड़ा सा रंगीन मौसम, रंगीन रास्ते। चल चुके हैं गाइस अपने घर के लिए, घर जाके मिलते हैं आप सभी को, रास्ते में अभी समझ मिल गया था मेरे को, तो थोड़ी बहुत बातचीत करने लग गए थे अपन, बस अभी हमको पहुँच के आपको मैं बताता है क्या प्लान। बैक टू होम गाइस, अपन आ चुके हैं भाई घर पे, अभी रेस्ट करते हैं बस थोड़ी देर घर पे, घर वाले भी नहीं हैं, गए हुए हैं बाहर, वो आएंगे तब खाना खाएंगे, फिर अपना बस वही ब्लॉग एडिट पर बैठेंगे। तो भाई मेरे को लगा कि अभी खाना बना नहीं हुआ घर पे, तो मैं सोच रहा था कि कुछ बाहर खा के आता हूँ, बट फिर वैसे ही किचन में देखा मैंने कि खाना तो रखा हुआ है, वहाँ पर ही हुआ, क्यों नहीं बाहर रखा यार, वहाँ पे जाके बाहर का खाना या वहाँ पे पानी मिलेगा अपने को घर का खाना, तो खाना खाते हैं भाई, फिर मिलते हैं आप सभी को। तो भाई ऐसा है, अभी खाना पीना हो गया अपना, अब चलते हैं बाहर की ओर। हाँ जी, आ गए हम घर पे भाई, वापसी
बैठते हैं अब अपना वर्किंग, मतलब कि वर्किंग यार वही लगा लो एक तरह से, वीडियो एडिटिंग जो ब्लॉग है अपना। ऐसा है भाई, अपनी पैकिंग शुरू हो चुकी है फिर से, और अच्छी अच्छी तरह लगाने शुरू कर दिए मैंने, आपको भी दिखाता हूँ बिल्कुल इज्जत से। ये लगा लो कि मेरा एक बैग तो पैक हो चुका है बस, अभी ये वाला बैग है ना जो ट्रैवलर बैग, इसको और पैक करेंगे, देखते हैं। अभी तो नहीं, इसको तो यार मैं सोच रहा हूँ कि संडे तक ही करूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही है प्लान तो जाने का, बाकी देखते हैं अगर बीच में टाइम लगे तो। वैसे तो परसों ही है संडे। लो भाई देखो, पूरी बढ़िया तरह है, सब कुछ पैक है, सब कुछ सेट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और इसको भी खोल कर दिखा देता हूँ मैं, जादू है इसमें तो। श्यू, यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान पैक पड़ा हुआ है मेरा, ये मत देखो। बस ऐसे ही यार, मेरा यार अपना कर रहे हैं शुरुआत तैयारी जाने की। अरे सच से तो बता रहा हूँ कि वो पिंक वाली शर्ट थी जो, कैसी लगी आप सभी को? मेरे पास तो उसके लिए मैसेज भी आने शुरू हो गया, भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे ये शर्ट, देख रहे अपना जलवा ऐसे ही है फिर तो। मैं तो कह रहा था यार उसको, दोस्त को, मैं ले ले कोई बात नहीं, मैं तो और ले आऊँगा, या बाद में जब भी तेरा चक्कर लगेगा तू दे जियो। तो कह रहा नहीं नहीं भाई तू पहन अभी, तो बाद में देखते हैं, जब जरूरत होगी तब ले लूँगा। अगर नहीं याद आ रहा ना आपको तो मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगा फोटो या वीडियो जो भी थी मेरी कल वाली, उसमें देख लेना आप पिंक शर्ट कौन सी कह रहा हूँ मैं। वन मोर शर्ट टू ट्राई, देखते हैं इसका क्या हसीन बनता है। फाइनली भाई मेरे टीथ में से वायर भी हट चुकी है, ये देखो ई। बस दांतों का अपना ट्रीटमेंट पूरा है, सब कुछ ओके है, जल्दी जल्दी अपना पहुँचते हैं बैंगलोर, फिर अपना दिखाते हैं आपको बैंगलोर कैसा है हमारा। तो भाई बैंगलोर में ज़्यादा लैंग्वेज चलती है वो है मलयालम, तो अगर मेरे को बोलना है कि विल मीट सून, मैं कहूँगा उड़न कांडू मुत्तम। तो गाइस जो आज की रील है भाई वो है हमारी डाटा के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से सबसे वही डाटा बिक रहा है हमारा, डाटा कलेक्ट हो रहा है हमारा एक जगह, गवर्नमेंट और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है उनके पास ये डाटा जाता है, वो खरीदते हैं इस डाटा को। तो इसी को बस मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग जाके एक बार पूरी रील देखो, उसको समझो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, और रील को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और जो मेन पेज पे मैंने डाली हुई है इंस्टाग्राम पे भी, उसको जाके फॉलो करो जल्दी। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं भाई सबको आपको।